हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो है मायापुर टूर का सेकेंड पार्ट। तो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो है वो तो देखा ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो अभी हम लोग रेडी होके निकल गए हैं गदा भवन की तरफ। गदा भवन में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो वीडियो का पार्ट वन में हम लोग दिखाए थे कि गदा भवन से हम लोगों ने लंच का टोकन लिए हैं, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, 1 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये हम लोग आ गए हैं और खाना भी ले लिए हैं। देखिए कितने लोग आके खाना खा रहे हैं। यहाँ से खाना लेके आपको यहाँ इधर टेबल पर बैठ के खाना पड़ता है। तो अभी देखिए हम लोग क्या क्या खाना मिला है। मिला है राइस, दाल, ये मटर आलू पनीर, दो पूरी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे है मिक्स सब्जी, खीर और पानी। तो चलिए अभी खाना खाते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा सब्जी या दाल भात लेना है तो वो भी मिलेगा। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं वामसी भवन, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन था, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाने आ गए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ रुकेंगे नहीं, टाइम भी नहीं मिलेगा वीडियो करने का, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं थोड़ा वीडियो करने, थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी किया यहाँ पे। तो देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है जगह, मतलब ऐसा लग रहा है कि कौन सा यूरोप कंट्री में आ गए हैं। इतना खूबसूरत, साफ सुथरा, एकदम सजा धजा के रखे हैं, टिप टॉप जगह है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं गौशाला। देखिए ये गौशाला तो किसी एंगल से नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई धाम है, भवन है। तो ऊपर गाय का स्कल्पचर किया हुआ है, और अंदर जो है राइट साइड में ये घी का काउंटर है और लेफ्ट में मिठाई, दही, ये सब मिलता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं गौशाला के ऊपर। गायों को ऊपर रखा हुआ है, चलिए गौशाला के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सारा गाय है, ये तो बस शुरुआत है, अंदर और भी है। और ये यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसमें अगर आपको मतलब किसी भी गाय को कुछ खिलाना चाहते हैं, कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो उसका चार्ट है, कौन सा चीज़ का दाम कितना है, ये सब किया हुआ है। देखिए कितना सारा गाय भरा हुआ है यहाँ पे, अच्छा लगेगा एक साथ इतना गाय को देख के हम लोगों को। और यहाँ पे मतलब जितना भी गाय है सब एक ही ब्रीड का नहीं है, सब डिफरेंट ब्रीड का गाय है, बहुत सारी जगह से ये सब लाया जाता है। तो देखिए ये दूसरा ब्रीड है। अंदर और भी है, देखिए थोड़ा अंदर आ गए हम लोग, इधर और भी है, ये एक अलग ब्रीड का है। यहाँ पे गाय भी है, सांड भी है, और मतलब डिफरेंट ब्रीड का जो बताई मैं अभी। देखिए ये देखिए ना, गला आगे कर रहा है मुझे, सब अलग अलग ब्रीड का है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। ये काला वाला है, बहुत घमंडी है, बहुत मूडी है, कुछ भी कर लो हिलता दुलता नहीं, ये बहुत अच्छा था। तो यहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा मतलब यहाँ से निकल के आ गए हैं दही खाने। यहाँ का दही बहुत टेस्टी था, अब लोग आए तो ज़रूर खाना। हम लोग दही खा रहे हैं, उसके बाद आ गए हैं मंदिर के सामने। तो देखिए ये वही मंदिर है जो अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2024 में ये कंप्लीट होगा, इसका उद्घाटन होगा। और ठीक इसी के सामने पुराना वाला मंदिर है। तो पुराना वाला मंदिर में हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम लोगों को मोबाइल और बैग, जूता, ये सब काउंटर है वहाँ पे जमा करना पड़ता है। अंदर तो मोबाइल, बैग, जूता ये सब अलाउ नहीं है, तो हम लोग सब रख दिए हैं और आरती देखने जाएंगे। तो मतलब अंदर क्या होगा वो तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखिए ये पुराना मंदिर है, अभी जो मंदिर है ये बन रहा है। ये हम लोग आ गए हैं दुकान पे, आरती के बाद हम लोग दुकान में आ गए हैं, यहाँ पे जो लड़कियाँ पहनती है घाघरा चोली वो सब लेने। हमें भी शौक हुआ कि हम लोग भी उनकी तरह बनेंगे, तो वो लेने आ गए हैं। देखा भी तो